नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि आज का प्रॉफिट 4000 है और उसका स्लोगन भी पढ़ा होगा, ठीक से ध्यान दिया होगा तो, लॉजिक इट्स नॉट ए मैजिक। तो चलिए स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा चला था इसलिए उसका लाइव ट्रेडिंग का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फिर भी मैं आपको उसके स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाया हुआ तो और एक बार दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। ठीक है, ये लोडिंग हो रहा है। तो लगभग हमने 3960 मतलब 4000 के आसपास प्रॉफिट हो गया है और इसके ये कुछ ऑर्डर्स है तो दिखाता हूँ मैं ऑर्डर्स भी। ये देखिए पूरे ऑर्डर्स है कुल मिला के। ओके, तो आज के ट्रेड का लॉजिक क्या था ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट सबसे पहले देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एडवांस लेवल कोर्स, अभी हमने एक क्रैश कोर्स के जैसा एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें कि आपको क्या फीचर्स मिलेंगे ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोर्स होगा 29 अगस्त और 30 अगस्त 2020 को रात को 7:30 से लेकर 9:30 बजे, 2 घंटे का कोर्स रहेगा, 1-to-1 वेबिनार रहेगा ये। और इसका फीस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ओनली 199 रुपीज है, मतलब 2000 के आसपास है। और ये कोर्स अगर आपने कर लिया तो डेली आप 300 से लेकर 1000 रुपए तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो 70 से 80% की एक्यूरेसी रहेगी। और इस कंटेंट में हम आपको सिखाएंगे चार्ट फिल्ट्रेशन क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, एंट्री और एग्जिट कहाँ पे होना चाहिए, थंब रूल क्या है, गोल्डन स्ट्रेटजी क्या है हमारी, और मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। और कुछ बड़े भी कोर्सेस है वो हम आपको अगले वीडियो में उसका पूरा डिटेल देंगे। लेकिन ये क्रैश कोर्स है जो लोग पहले से ट्रेडिंग जानते हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, उनका बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप डेली का 300 से लेकर 1000 रुपए के बीच जैसे कि आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से कमा सकते हो। तो चलिए फिर से हम अपने लॉजिक के ऊपर निकलते हैं। ओके, तो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो आज का प्रॉफिट 4000 के आसपास है। तो लॉजिक क्या था ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है और इसका टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट का है। ओके, तो जैसे कि देख पा रहे हो, और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका का बाजार ऑलमोस्ट टॉप हाई पे चला गया है। ओके, तो जो S&P है वो लगभग अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट निफ्टी भी अपने हाई से लगभग 780 पॉइंट ही दूर है। उसका पिछला हाई था 12,200 से 300 के बीच में, अभी निफ्टी 11,500 से 600 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब 600-700 पॉइंट का खाली डिस्टेंस बचा हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का हाई था लगभग 36,000 या 37,000 के आसपास और अभी ये चल रहा है 24,000 पे, मतलब लगभग 10,000 पॉइंट का मोमेंट अभी भी पेंडिंग है, मतलब एक बड़ा मोमेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश है, तो इसको शॉर्ट करने की जरा भी हिम्मत मत करिएगा दोस्तों। तो पहले लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्लोबल सेंटिमेंट के लेते आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, यहां पे देख सकते हो ये चार्ट पे गैप, बैंक निफ्टी आज लगभग 100 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और निफ्टी लगभग 50 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। तो मैं जो आपको कोर्स बताने जा रहा हूं उसमें ये भी स्ट्रेटजी रहेगी कि गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 वीडियो के पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें पोलैंड फ्लैग का पैटर्न मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो आज आपने जरूर ट्रेड किया होगा। अभी देखिए मार्केट लाइव चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे। ओके, ये तो स्पॉट का चार्ट है लेकिन ये राइट साइड पे देख सकते हो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मैं एक मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। देख सकते हो अभी लाइव चल रहा है मार्केट, अभी लगभग 1:40 हो चुके हैं, लाइव चल रहा है, हमने अपना प्रॉफिट 12 बजे बुक किया है। तो देख सकते हो इसका मूवमेंट ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, तो पहले हम पोलैंड फ्लैग के पैटर्न के ऊपर आते हैं। जैसे कि आपको पता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें यूजफुल होता है। ओके, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सीधा आपको क्या करना है, हाई से लेके एक ट्रेंड लाइन खींचनी है शुरू से ही जब बनता है, तो उसके बाद एक बेस का ट्रेंड लाइन बनाना है, ये देखिए ये हो गया, और आपको ब्रेकआउट का वेट करना है हमेशा दोस्तों, और उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये ब्रेकआउट जो है ये 100% सक्सेसफुल है, तो कुछ की फैक्टर है जो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। देखिए ये सुबह खुला तो पूरा बुलिश कैंडल बना दिया, पहले 5 मिनट में, लगभग पहले 5 मिनट में उसने अपना जो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट किया था उससे ही पता चलता था कि बैंक निफ्टी आज बहुत बुलिश है। देख सकते हो ये पहले ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया, फिर से एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर से एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया। और हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कोई
स्टॉक या इंडेक्स बार बार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो ब्रेकआउट होना चाहिए। और पोलन प्लैंग में होता क्या है, पोलन प्लैंग में ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ निकल के आता है, देख सकते हो यहां से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद साइडवेज चला गया। ये साइडवेज का मतलब था कि और एक बार ब्रेकआउट होने वाला है, तो देखिए और एक बार ब्रेकआउट हो गया। तो टोटल टारगेट इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये बता देता हूँ, और मेरा पोजीशन मैंने कहाँ पे लिया था ये भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको चीज़ें पता चलेगी। मैंने यहाँ पे ही अपना पोजीशन ले लिया था दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल बना था ये रेड के बाद, तो मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वेट किया यहाँ से रिट्रेसमेंट का और अपना प्रॉफिट लगभग यहाँ पे 1220 को अपना प्रॉफिट बुक कर लिया 4000 के आसपास। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा था लेकिन आपको पता है पोजीशन निकालते निकालते 500 इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोलन फ्लैग पैटर्न होता है इसको ट्रेड करने के कुछ की फैक्टर्स हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। तो हमेशा आपको क्या करना है, ऐसे ब्रेकआउट के बाद, ऐसे पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट का वेट करना है। जब ये ब्रेकआउट दे दे उसके बाद रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना पोजीशन यहाँ पे ले लिया था, लेकिन जरूर नहीं कि आप भी यहाँ पे ले लें। अगर पैटर्न फेल हो जाता तो मेरा स्टॉप लॉस सेट हो जाता, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे था, लगभग कितना था 30-40 पॉइंट का था। तो देख सकते हो यहाँ पे एक शैडो बना दिया, इसका मतलब कि अभी ऊपर नहीं जाने वाला है। उसके बाद साइडवेज चला गया, और ये जो बीच वाला कैंडल है ये डोजी कैंडल, मैंने आपको अपने वीडियो में देखा होगा कि डोजी कैंडल को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मैं। डोजी कैंडल के बाद हमेशा ट्रेड रिवर्स होता है, ट्रेंड जो है रिवर्स होता है। देख सकते हो यहाँ पे उसके बाद मूवमेंट किया, लगभग कितना मूवमेंट किया देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप एंट्री ले लेते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद 23,600 के बाद आपको मिल जाते कितने पॉइंट, लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता, और आपका स्टॉप लॉस भी कितना बनता, कितना बनता यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो स्टॉप लॉस बनता आपका लगभग 50 या 60 पॉइंट का। तो यही सारी चीज़ें होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ट्रेड मिले तो ही ट्रेड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि रोज ट्रेडिंग करना चाहिए। देखते हो कि मैं अपना ट्रेड सेटअप मिलता है तब भी ट्रेडिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि रोज आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट कहीं भी भाग के नहीं जा रहा है। लेकिन हमेशा आपको पैसा अपना संभाल के रखना है, अपना स्टॉप लॉस टारगेट जो भी है उसको फिक्स रखना है। एंट्री लेने के बाद एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, उसके बाद कुछ फायदा भी नहीं होता है। तो पहले से प्रिपेयर रहिए, मनी मैनेजमेंट रखिए, आपको ट्रेड दिखे तब भी ट्रेड कीजिए, रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। और फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे फ्री कॉल प्रोवाइड करते रहते हैं। और जो हमने अभी कोर्स का अनाउंसमेंट किया है वो सैटरडे संडे को होगा आने वाले वीक। जो भी कोई इंटरेस्टेड वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके अपना सीट बुक कर सकते हो और डेली 300 से 1000 रुपये भी प्रॉफिट कमा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही सपोर्ट कीजिए, और जैसे आप फायदा उठा रहे हैं वैसे अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।